अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशास किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बना के दिखाने वाली हूँ उद्दीन वड़ा। उद्दीन वड़ा या माश का वड़ा बोल सकते हैं। देखिए, उद्दीन वड़े के लिए मैंने यहाँ पे उड़द दाल को 2 कप्स उड़द दाल को अच्छे से त्रिआस तक भिगो के देखिए रख लिया है। और मैंने यहाँ पे लिया है कोरिएंडर, छोटे पीसों में काट के रख लिया है। और मैंने थोड़ी सी अदरक ली है, इसे अच्छे से मैंने मैश कर लिया है। और मैंने थोड़े ग्रीन चिल्लीज कट कर लिए हैं। और मैंने थोड़े मस्टर्ड्स लेके अच्छे से इसे कूट लिया है। देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा नमक लिया है, ज़ीरा लिया है, और मैंने लिया है ऑयल। ये हम फ्राई करने के लिए यूज़ करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, हमारी जो ये उड़द दाल है इसे मिक्सर में डाल के अच्छे से ग्राइंड करेंगे। इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं डालना है, आपको ऐसे ही डाल के अच्छे से ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद मैं नेक्स्ट बताती हूँ कैसे बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने उड़द दाल एकदम ग्राइंड कर लिया है। इसमें मैंने ज़ीरा और नमक जो हमारे इंग्रेडिएंट्स में था वो डाल के ग्राइंड कर लिया है। देखिए, मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी, एकदम से ऐसे घट होना है, थिक कंसिस्टेंसी। आप ऐसे स्पून से गिराएंगे तो ये जल्दी से नहीं गिरना है, ऐसे बैटर बनाना है जब ही वड़ा अच्छे से आएगा। तो देखिए, ये बैटर तैयार हो गया। अभी मैं क्या करूँगी, हमारे इन सारे इन्ग्रीडियंट्स को इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के अच्छे से मिला के रख लिया है। अभी बैटर अच्छे से मिलने के बाद हम क्या करेंगे, इसे बैटर को 2 आवर्स तक सोकिंग के लिए रखेंगे, ताकि हमारे जो इंग्रेडिएंट्स है, नमक है, सारा कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसे अच्छे से डीप फ्राई करेंगे। तो अभी चलिए, 2 आवर्स के बाद मैं इसे फ्राई करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऑयल गरम के लिए रख लिया है और मेरा ऑयल एकदम से गरम है। अभी मैं वड़ा शेप्स कैसे बनाते हैं दिखाती हूँ आपको। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्या करेंगे, हमारे हाथ में थोड़ा सा देखिए ऐसा पानी डाल लेंगे। पानी डाल के हम एक थोड़ा सा बैटर लेंगे। बैटर ऐसे हमारे हाथ के ऊपर टैप करना है। टैप करके एक राउंड शेप बीच में ऐसे होल बनाना है। वड़े का शेप ऐसे ही आता है, तो ऐसे होल बना के आपके दूसरे हाथ में ले लीजिए, लेके इसे डालेंगे। इसे 1 बाय 1 करके हम अभी वड़ा डाल लेंगे। आपका स्टोव जो है एकदम लो फ्लेम में रख के पकाना चाहिए, क्योंकि आपके वड़े जो है अच्छे से अंदर से पकेंगे, तो आपको लो फ्लेम में रख के पकाना है। देखिए, इसे 1 बाय 1 जल्द से जल्द बना के डाल लेंगे। बाहर से एकदम क्रिस्पी आएंगे और अंदर से एकदम स्मूथली बनेंगे। देखिए, अभी एक स्पून लेके इसे फ्राई करें। देखिए, अच्छे से बन रहे हैं, शेप्स बहुत अच्छे आए हैं। आपको नियरली 2 और 3 मिनट्स तक लो फ्लेम में पकाना चाहिए, बनाने के बाद बन जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे
वड़े बनके एकदम तैयार है। देखिए ऐसे लाइट गोल्डिश होने तक आपको पकाना पड़ेगा। देखिए इतने गोल्डिश होना है। अभी हमारे वड़े तैयार है, मैं सर्विंग प्लेट में डाल के आपको बताती हूँ बनने के बाद कैसे लगते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे उद्दीन वड़े बनके एकदम तैयार है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ऊपर से एकदम क्रिस्पी है, अंदर से एकदम स्मूथ आते हैं। इसे आप इडली के साथ सर्व करेंगे या स्नैक्स टाइम में सर्व करेंगे या दाल खाने के साथ अगर साइड डिश के जैसे यूज़ करेंगे बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए आज की ये थी मेरी रेसिपी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी कुकिंग के लिए इंटरेस्टेड हो तो मेरे वीडियोज़ ज़रूर से शेयर करिएगा। और आपके कोई भी रेसिपीज़ है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए, हम ज़रूर से बना के डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम।